हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमिस ट्यूटोरियल। तो आज आप लोग टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि मैं ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छे से सनस्क्रीन बताने वाली हूँ जो उनकी स्किन को मैटिफाई भी करेगा और साथ ही साथ स्किन को प्रोटेक्शन भी देगा। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं लगाते सनस्क्रीन, वो फाउंडेशन लगाएंगे, बीबी क्रीम, कॉम्पैक्ट, सब कुछ लगाएंगे जो भी उन्हें ब्यूटी रेजिम में लगाना होता है, बट सनस्क्रीन बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता है कि सनस्क्रीन स्किप करना मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक है, आप अपनी स्किन के साथ बहुत ही ख़राब कर रहे हो, क्योंकि स्किन डैमेज होती है हार्मफुल यूवी रेज से। अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो हमारे स्किन को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जिससे फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, पैचेस, पिगमेंटेशन और इवन स्किन कैंसर होने का भी खतरा रहता है। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी आप घर से बाहर निकलो, वो कोई भी सीज़न हो, समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सन है मतलब सनस्क्रीन आपको लगाना है। तो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन के बेनिफिट्स भी बता दूँगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऑयली स्किन वालों के लिए 3 जो मेरा पर्सनल फेवरेट सनस्क्रीन है मैं वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाए। आप लोग ने देखा होगा कि सनस्क्रीन में लिखा होता है SPF। तो SPF होता क्या है? SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो बताता है कि आपकी स्किन को वो कितने देर तक यूवी रे से प्रोटेक्टेड रख सकता है। सनस्क्रीन हमारी स्किन को 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। SPF 15 जो 93% यूवी रेज को ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद आता है SPF 30 जो 97% ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद SPF 40, SPF 50, ये दोनों 98% हार्मफुल यूवी रेज को ब्लॉक कर सकते हैं। यस, SPF 30, 40, 50 इसमें से 1% का ही डिफरेंस आता है। तो आप चाहो तो SPF 30 यूज़ कर लो, 40 या 50, बट SPF 15 आपको थोड़ा कम प्रोटेक्शन देगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप SPF 30, 40 या 50 अपने सनस्क्रीन में चेक कर लें। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि PA क्या होता है। आपको सनस्क्रीन जब आप ख़रीदने जाते हो तो पहले मुझे भी नॉलेज नहीं था कि SPF क्या होता है, उसका 30, 40, 50 क्या होता है, PA+, ट्रिपल, ये सब नहीं पता था मुझे। बट मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ताकि जब भी आप लोग सनस्क्रीन खरीदो तो आपको पता हो कि बेस्ट सनस्क्रीन आप लोगों के लिए कौन सा है। क्या होता है PA+, मतलब सम प्रोटेक्शन, जो थोड़ा सा प्रोटेक्शन देगा आपको। PA++, मतलब मॉडरेट प्रोटेक्शन, जो आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। एंड PA++++, मतलब हाई प्रोटेक्शन, जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। तो आपको अपने सनस्क्रीन में चेक करना है कि वो SPF 40, 30, 50 हो और PA++++ हो, जो हाई प्रोटेक्शन दे आपको, ताकि आपकी स्किन को ओवरऑल पूरी प्रोटेक्शन मिल सके। क्योंकि सनस्क्रीन कॉस्टली भी होते हैं, तो सनस्क्रीन हम जब भी ख़रीदने जाए तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी हैं और अपने लिए बेस्ट सनस्क्रीन फाइंड आउट करना है। और अब मैं आपको बता दूंगी ऑयली स्किन वालों गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए कि उनके लिए बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा है। तो मेरा फर्स्ट सनस्क्रीन है ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट, जो है एक अल्ट्रा मैट लोशन। आई होप आपको ये दिख रहा हो वीडियो में। इसमें है SPF 50, PA++, UVA एंड UVB। ये अल्ट्रा मैट प्रोटेक्शन देगा आपको और लाइट एंड नॉन स्टिकी है, तो ये कोई भी स्किन टाइप लगा सकते हैं। ये सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है। ऐसा ये वाइट लोशन है, बट ये आपकी स्किन पे कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। बहुत ही इजी है ये अप्लाई करना। तो ये सनस्क्रीन मेरा तो पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि ये इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है और ये लाइट है, नॉन स्टिकी है, तो आपकी स्किन को फ्रेश फील देगा ये। तो अगर आप कोई भी लाइट सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये कोई भी वाइट कास्ट भी नहीं रखता है स्किन पे, कि एक वाइट सा लेयर हो जाता है कुछ सनस्क्रीन में, बट ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी स्किन पे एक हल्का सा ग्लो आएगा बस। बाकी ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी। अगर आप कोई भी स्किन टाइप हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। ऑयली
नेक्स्ट मेरा सनस्क्रीन है ये लोटस का हर्बल सेव सन 3-in-1 मैट लुक डेली सन ब्लॉक। इसमें भी SPF 40 है, UVA UVB प्रोटेक्शन, PA ट्रिपल प्लस। तो ये आपके स्किन के लिए बहुत ही ओवरऑल प्रोटेक्शन आपको देगा और साथ ही साथ ये स्किन को एक मैटिफाई लुक देगा। तो ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनकी स्किन में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो उनके लिए ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता देती हूँ। तो ये थोड़ा सा टिंटेड है, देख सकते हैं आप, ये वाइट नहीं है, ये टिंटेड है, जैसे बीबी क्रीम टाइप होता है ये वैसा है। ये इजीली आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में, और एक हल्का सा जैसे बीबी क्रीम में थोड़ा सा टिंट होता है, फाउंडेशन में थोड़ा सा लाइट टिंट होता है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बॉयज़ के लिए नहीं है, हल्का सा टिंटेड है ये। तो अगर आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है, मैं लड़कियों के लिए बता रही हूँ, फाउंडेशन बीबी क्रीम कुछ नहीं लगाना है, तो आप ये सनस्क्रीन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें हल्का सा आपको कवरेज मिल जाएगा। तो आप इसे लगा के जा सकते हो इजीली, आपको इसके ऊपर कोई भी मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा है, मेरा तो फेवरेट है ये लोटस का सनस्क्रीन। ये आपको मैट लुक देगा, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और स्किन को लाइटनिंग भी करेगा। इसमें ऐसा लिखा है स्किन लाइटनिंग सन प्रोटेक्शन मैटिफाइंग। तो ये है मेरा थर्ड सनस्क्रीन जो अगेन है लैक्मे सन एक्सपर्ट का, सेम रेंज का है ये लैक्मे सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट जेल। ये जेल फॉर्म में है तो किसी को अगर वाइट नहीं लगाना है या टिंटेड नहीं लगाना है तो उनके लिए जेल फॉर्म में बेस्ट रहेगा सनस्क्रीन। इसे आप अंडरनीथ या मेकअप भी लगा सकते हो क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो हमें कोई भी वाइट कास्टिंग या टिंटेड सनस्क्रीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम तभी मैट जेल टाइप सनस्क्रीन ही ढूंढते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है जो मेकअप करके कहीं जाना चाहते हैं, तो ये सनस्क्रीन बेस्ट है जेल फॉर्म में जो आता है। इसमें UVA, UVB, SPF 50, PA ट्रिपल प्लस, अगेन ये SPF 50, PA ट्रिपल प्लस है और ये आपकी स्किन को बहुत ही मैट रखेगा, आपकी स्किन पे एक मैटिफाई ग्लो देगा। ये जेल फॉर्म में, ये आपको ऐसा वाइट दिख रहा है बट ये वाइट नहीं है, ये एकदम जेल कंसिस्टेंसी में है, देखिए आप शाइन देख सकते हो, ये जेल कंसिस्टेंसी में है, ये बिल्कुल भी वाइट नहीं है। इजीली आपके स्किन पे ब्लेंड हो जाएगा, लाइट नॉन स्टिकी है, फ्रेश फील करेगा। तो ये सनस्क्रीन बहुत ही परफेक्ट है, जिनको टिंटेड या वाइट सनस्क्रीन नहीं लगाना है वो ये जेल सनस्क्रीन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या आप चाहो तो अमेज़ॉन या कोई भी साइट पे इजीली आपको ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट रेंज में मिल जाएगा। लोटस का भी आपको कोई भी शॉप में भी मिल जाएगा अगर आप ऑफलाइन भी देखते हो तो। तो ये था मेरा फेवरेट सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे क्योंकि उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप नए हैं तो, और आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हो। सो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।